सावधान हो जाइए, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड का बर्गर खाने से अमेरिका में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं 26 से ज्यादा लोग ई कोली से संक्रमित मिले हैं। अब ये ई कोली संक्रमण क्या है, आज इसी पर बातचीत होगी। बहुत सारे लोग आजकल बर्गर्स, हैमबर्गर्स खाते हैं देश विदेशों में, तो क्या हर तरह के बर्गर्स या हैमबर्गर्स में ई कोली संक्रमण का खतरा है? अमेरिका में तो इससे बड़ा चिंता की बात वहाँ पर फैली हुई है, लेकिन भारत में क्या इतनी चिंता करना लाजमी है? इस पर बातचीत करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूँ खास मेहमानों के साथ इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। बर्गर के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर है। ये खबर अमेरिका से आई है। दुनिया भर में सबसे फेमस ब्रांड मैकडॉनल्ड्स का क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर खाने से लोग ई डॉट कोली वायरस की चपेट में आ गए हैं। इस संक्रमण के चलते कई लोग बीमार हो गए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस मामले की पुष्टि की है और बताया कि ये संक्रमण 10 से अधिक राज्यों में फैल चुका है, जिससे कुल 49 लोग प्रभावित हुए हैं। कोलोराडो राज्य में इस संक्रमण से सबसे ज्यादा 26 लोग बीमार हुए हैं और कुल 10 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस प्रकोप का सबसे बड़ा कारण मैकडॉनल्ड्स के लोकप्रिय मेन्यू आइटम क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर को माना जा रहा है। CDC के अनुसार इस प्रकोप के दौरान अधिकतर लोगों ने बताया कि उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने के बाद बीमार महसूस किया, खासकर क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर खाने के बाद। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर से जुड़ा यह संक्रमण एक खास प्रकार के बैक्टीरिया ई डॉट कोली से हो रहा है। ये स्ट्रेन विशेष रूप से खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इससे होने वाले लक्षणों में पेट दर्द, दस्त, उल्टी और कुछ मामलों में ये किडनी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। यह स्ट्रेन 1993 में जैक इन द बॉक्स नाम की फास्ट फूड चेन में भी फैल चुका था, जहां अटपके हैमबर्गर के कारण 4 बच्चों की मौत हो गई थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मैकडॉनल्ड्स ने तुरंत कार्रवाई की है। मैकडॉनल्ड्स ने अपने एक बयान में कहा है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि बीमारियों का संबंध क्वार्टर पाउंडर में इस्तेमाल किए गए कटे हुए प्याज से हो सकता है, जो एक ही सप्लायर से खरीदा गया था। फिलहाल जांच जारी है और कंपनी ने उन प्रभावित राज्यों के स्टोर से कटे हुए प्याज और बीफ पैटीज को हटा दिया है, जो इस संक्रमण से जुड़े हो सकते हैं। अमेरिकी CDC इस मामले की जांच कर रहा है। अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि संक्रमण किस चीज से फैल रहा है, लेकिन ताजा कटे हुए प्याज और बीफ पैटीज पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी संक्रमित लोगों से ये जानकारी ली जा रही है कि उन्होंने संक्रमित होने से पहले क्या खाया था। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का खाना खाया था और उस खाने में क्वार्टर पाउंडर का जिक्र किया है। भले ही ई डॉट कोली का संक्रमण अमेरिका में फैल रहा है, लेकिन भारत में भी मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को खूब पसंद किया जाता है। ऐसे में कंपनियों को उपभोक्ताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या न आए। यही नहीं, खाद्य सुरक्षा के मानकों को और भी सख्त किया जाना चाहिए और सप्लायर से लेकर सर्विस तक की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निगरानी होनी चाहिए, ताकि ऐसे मामले भारत में सामने न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee News।